देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके हैं कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, कंपनी से जुड़े हुए कारोबार को समझेंगे, इसके अलावा इससे जुड़े हुए खबरों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, फंडामेंटल और टेक्निकल्स का रिव्यू लेंगे, आपको आपकी पोजीशंस के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस की चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। अपने फैमिली मेंबर्स दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत कारोबार से करेंगे। 774 रुपये की क्लोजिंग प्राइस देख रहे हो आप, 5.59% की तेज़ी। प्रीवियस क्लोज का आंकड़ा आप देखेंगे तो 733 रुपये का था ओपन, 737 का हाई, 785 का लो था दोस्तों, 734 का। जी हाँ, अगर हम बात करें इनके क्लोजिंग की तो शानदार क्लोजिंग देखने को मिली है। इस गिरते हुए माहौल में भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्लोजिंग देखने को मिली अदानी ट्रांसमिशन से। अगर हम बात करें क्वांटिटी ट्रेडेड की तो हमेशा की तरह 15,37,523 करोड़ की क्वांटिटी ट्रेड हुई है। डिलीवरेबल क्वांटिटी दोस्तों 7,98,000 पर दिखाई देती है, जो कि प्रतिशत में 51.91% दिखाई पड़ता है। दोस्तों, साथ में इसके डिलीवरी का आंकड़ा देख लें तो नीले कलर की लाइंस की बात होगी दोस्तों, जो डिलीवरी वॉल्यूम है, साथ ही साथ गुलाबी कलर की लाइंस जो आप देख रहे हो वो डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज है। आंकड़ा आपके सामने 10 फरवरी से 12 मार्च तक का है दोस्तों। नीले कलर की लाइंस में इजाफा आपको देखने को मिलेगा 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी, काफ़ी शानदार आंकड़ा है दोस्तों। इसके अलावा 12 मार्च और 9 मार्च को भी आपको नहीं भूलना चाहिए, डिलीवरी वालों में काफ़ी ज़बरदस्त इजाफा। इसके अलावा अगर हम परसेंटेज का आंकड़ा देखें दोस्तों तो काफ़ी शानदार आंकड़ा 19 फरवरी से कंटिन्यूस होता हुआ बीते 15-20 दिनों में काफ़ी शानदार एक्युमुलेशन हुआ है दोस्तों। ले दोस्तों, टेक्निकल्स का पैरामीटर देख लेते हैं। आपके सामने रिटर्न प्रोफाइल है, ओवर वन वीक में 4.91% की गिरावट, 827 का हाई, 730 का लो। बीते एक महीने का आंकड़ा देखें दोस्तों, 23% की रिटर्न देखने को मिली है, शानदार जंप, 855 का हाई, 629 का लो। तीन महीने का आंकड़ा आपके सामने 82% की रिटर्न देखने को मिली है, 4855 का हाई, 381 का लो। छः महीने की बात की जाए दोस्तों, 184% की रिटर्न देखने को मिली है, 855 का हाई, 231 का लो। साथ में एक साल की चर्चा करें तो 372% की तेज़ी देखने को मिली, 855 का हाई, 147 का लो। तीन साल का आंकड़ा आपके सामने है, 317% की रिटर्न देखने को मिली है। जी हां दोस्तों, बीते इसी साल देखने को मिली है यह आंकड़ा, 855 का हाई था, 115 का लो, काफ़ी शानदार इजाफा। पाँच साल के पैरामीटर पर दोस्तों ध्यान देना चाहिए, 2420% की तेज़ी, 28 रुपये का लो, साथ ही साथ 855 का हाई। साथ में पीवट का आंकड़ा देखें, तीन रेजिस्टेंस दिखाई पड़ते हैं, 755 का पहला जो कि क्रॉस हो चुका है, इसके अलावा 777 का दूसरा। अगर हम बात करें तीसरे रेजिस्टेंस की, 789 पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा आपके सामने तीन सपोर्ट भी हैं पीवट के हिसाब से, 720 का पहला, 708 का दूसरा, 686 का तीसरा। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं खबर की तरफ। अदानी ट्रांसमिशन से जुड़ी हुई खबर आपके सामने, हेडलाइन, अदानी ट्रांसमिशन विंस मध्य प्रदेश ISTS प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, इस खास खबर की चर्चा करें तो अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और दो अन्य ट्रांसमिशन सेवा प्रदाताओं को पछाड़ते हुए मध्य प्रदेश में एक अंतर राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए निविदा जीती है। रिवर्स नीलामी में REC ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड अदानी ट्रांसमिशन द्वारा निविदा। जी हाँ दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, 1429 मिलियन की स्थानांतरित टैरिफ बोली में जीती। PGCIL ने 9,81,598 मिलियन की बोली लगाई, जो कि स्टारलाइट ग्रिड और दो अन्य बोली दाताओं दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड से अधिक है।
टेंडर के नतीजे गुरुवार शाम को सामने आए। परियोजना की लागत लगभग ₹1300 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके अलावा अन्य खबरों की बात करें तो अदानी ट्रांसमिशन के प्लेज परसेंटेज में फिर एक बार गिरावट आई है दोस्तों, प्लेज परसेंटेज को घटाया गया है दोस्तों। साथ ही साथ गौतम अदानी ने बीट किया है मस्क और बेजोस को वेल्थ क्रिएटर बनने में। चलिए दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल की शुरुआत करते हैं। शेयर होल्डिंग समरी से प्रमोटर्स का हिस्सा 74.9%, अगर हम बात करें एफआईआई के आंकड़े की 19.9% पर दिखाई पड़ती है। साथ में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी और रिपब्लिक की हिस्सेदारी बराबर में है दोस्तों। अगर हम बात करें हिस्ट्री की प्रमोटर्स की हिस्सेदारी दोस्तों, अगर हम बात करें दिसंबर 2018 की तो 74.9% पर दिखाई पड़ती है। एक साल बाद दिसंबर 2019 में 74.9%, फिर दिसंबर 2020 में भी 74.9% पर, तो कांस्टेंट बनी हुई है। लेकिन प्लेज परसेंटेज पर आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों। जी हम बात करेंगे दिसंबर 2018 में 44.4% था, दिसंबर 2019 में 35.3% पर हुआ। बीते अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की चर्चा करें तो मार्च 2020 में यह 53.6% हो गया। जून 2020 का आंकड़ा देखें दोस्तों 35.8% डिक्रीजमेंट दिखाई दे रही है। साथ ही साथ सितंबर 2020 की आंकड़े की बात करें दोस्तों 29.1% पर, दिसंबर 2020 के आंकड़े की बात करें 27.8% पर, कंटिन्यूसली डिक्रीजमेंट दिखाई दे रही है दोस्तों। प्लेज परसेंटेज में बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। अगर हम बात करें दोस्तों हिस्ट्री आप म्यूचुअल फंड की तो सितंबर 2020 का आंकड़ा नहीं है, लेकिन मार्च 2020 से आंकड़ा है दोस्तों 0.1% पर दिखाई पड़ती है। दिसंबर 2020 की तुलना करें 0.1% पर ही दिखाई पड़ती है दोस्तों। एफआईआई के आंकड़े की बात करें तो दिसंबर 2018 में 20.4% पर, एक साल बाद दिसंबर 2019 में 20.8% पर, तो इंक्रीजमेंट यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन दिसंबर 2020 में आंकड़ा आपको देखना चाहिए दोस्तों 19.9% पर। जी हाँ दोस्तों एफआईज ने अपनी होल्डिंग्स बीते एक साल में घटाई है। चलिए दोस्तों कंपनी के कारोबार की शुरुआत करते हैं। रेवेन्यू मिक्स का आंकड़ा आपके सामने प्रेजेंट करेंगे दोस्तों। मुंबई जीडी बिजनेस से रेवेन्यू इनका 58.5% जनरेट होता है। साथ ही साथ अन्य आंकड़ों की चर्चा करें दोस्तों तो ट्रांसमिशन का हिस्सा दोस्तों 30% का आता है। इसके अलावा ट्रेडिंग से भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है 11.5% का। दोस्तों अन्य आंकड़ों की तरफ आगे बढ़ें तो इनका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस का आंकड़ा आपके सामने है। कैपेसिटी ट्रांसफार्मेशन 27,280 मेगावाट पर दिखाई पड़ती है। दिसंबर 2020 का आंकड़ा हम ले रहे हैं दोस्तों। अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों एवरेज सिस्टम अवेलेबिलिटी की तो 99.83% का है दोस्तों, काफ़ी शानदार है। जबकि हम बात करेंगे ट्रांसमिशन नेटवर्क लेंथ का तो 15,487 किलोमीटर का दिखाई पड़ता है, काफ़ी शानदार लेंथ भी अच्छा है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे कस्टमर बेस टी एंड डी की तो 3.06 मिलियन का दिखाई पड़ता है दिसंबर 2020 के आंकड़े के हिसाब से। कंपनी को फटाफट एक नज़र में देख लें, मार्केट कैप 80,622 करोड़ की, स्टॉक पी 74.7%। इसके अलावा इंटरप्राइज वैल्यू की बात की जाए 1,03,168 करोड़ पर दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ डेप्ट का आंकड़ा हम तुरंत देख लें दोस्तों 23,983 करोड़ का डेप्ट है दोस्तों, तो आंकड़ा वैल्यूएशन के हिसाब से है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री की पी की तो निश्चित रूप से अदानी ट्रांसमिशन प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से महंगा दिखाई पड़ता है। लेकिन हम बात करेंगे डेप्ट टू इक्विटी की तो डेप्ट टू इक्विटी इनका आंकड़ा काफ़ी शानदार है दोस्तों। पिछली वीडियोज़ में मैंने अदानी गैस की बात की थी दोस्तों, उसका भी डेप्ट का आंकड़ा काफ़ी शानदार था। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात की जाए तो निश्चित रूप से अदानी गैस से कमज़ोर दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंकड़ा भी अच्छा दिखाई पड़ता है दोस्तों। साथ में कारोबार का आंकड़ा हम चेक कर लें, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे 5 साल का 145% पर, 3 साल का दोस्तों 58% पर दिखाई पड़ता है, ट्रेलिंग 12 मंथ में 4% पर दिखाई पड़ता है। अगर हम बात करें दोस्तों कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की तो 5 साल का आंकड़ा 154% शानदार आंकड़ा, 3 साल का 19%, ट्रेलिंग 12 मंथ का भी काफ़ी अच्छा आंकड़ा माना जा सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों स्टॉक प्राइस CAGR की तो 5 साल का आंकड़ा 89%, 3 साल का 58%,
बीते एक साल की बात करें तो 258% का CAGR देखने को मिला है। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 5 साल का 18%, 3 साल का 19%, लास्ट ईयर का 14% पर दिखाई पड़ता है। कंपनी की तुलना कर लेते हैं कंपटीटर्स से। अगर हम बात करें दोस्तों अदानी ट्रांसमिशन की, तो चलिए दोस्तों अब हम कंपटीटर से तुलना कर लेते हैं आपके सामने। NTPC पावर ग्रिड और अदानी ट्रांसमिशन का हम कंपेयर करेंगे। मार्केट कैप की बात हो रही दोस्तों, पावर ग्रिड का मार्केट कैप 112,000 करोड़, NTPC का दोस्तों 106,000 करोड़, साथ में अदानी ट्रांसमिशन का 80,000 करोड़ पर दिखाई पड़ता है। साथ में प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो पावर ग्रिड का 2.16 पर, NTPC का 0.93 पर, अदानी ट्रांसमिशन का आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों 19.58 का प्राइस टू बुक वैल्यू दिखाई देती है। दोस्तों अगर हम बात करें प्राइस टू अर्निंग के आंकड़े की, तो अदानी ट्रांसमिशन का आंकड़ा 4501 का है, साथ में पावर ग्रिड का 11.41 का, NTPC का 16.06 का। तो अपने कंपटीटर से प्राइस टू अर्निंग में महंगा दिखाई पड़ता है। लेकिन हम बात करेंगे EPS की, जी हाँ दोस्तों पावर ग्रिड का 18.85 का, NTPC का 6.83 का, इसका EPS 0.16 का दिखाई पड़ता है। अगर हम बात करें दोस्तों प्रीवियस के एनुअल की चर्चा हो रही दोस्तों, साथ ही साथ हम रिटर्न ऑन इक्विटी का आंकड़ा देख ले दोस्तों, तो 0.34 का अदानी ट्रांसमिशन का, जबकि NTPC का 9.32 पर। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम बात करें दोस्तों 22.47 पावर ग्रिड का दिखाई पड़ता है। इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 6.19 का अदानी ट्रांसमिशन का, NTPC का 9.91 का, साथ ही साथ पावर ग्रिड का 12.37 का दिखाई पड़ता, साथ ही साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बड़े आंकड़े को देख लें दोस्तों। एक साल का आंकड़ा 1.619%, 3 साल का आंकड़ा 6.61%, साथ में 5 साल का आंकड़ा 6.59% पर दिखाई पड़ता है। अन्य आंकड़ों की तरफ नज़र डालें दोस्तों तो प्राइस टू कैश फ्लो इनका 4645 करोड़ का नेगेटिव में दिखाई पड़ता है। दोस्तों अब आपके सामने महत्वपूर्ण आंकड़ा रिजल्ट पैरामीटर का है, नेट सेल्स का आंकड़ा देखें दोस्तों। इस तिमाही में दिसंबर 2020 की हम बात करेंगे, 2597 करोड़ पर दिखाई पड़ता है। बीते दो तिमाहियों में हाईएस्ट है दोस्तों, लेकिन निश्चित रूप से अभी भी मार्च 2020 के आंकड़े को बीट नहीं कर पाया है। वहीं दोस्तों ईबीटा की चर्चा कर लेते हैं आपके सामने है, दिसंबर 2020 का आंकड़ा 1115 करोड़ पर दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ जून क्वार्टर की चर्चा करें 1395 करोड़ का था दोस्तों, तो वहां से घटोतरी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें एनुअल क्वार्टर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो यहां भी इंक्रीजमेंट है और 1056 से भी यह आंकड़ा काफ़ी अच्छा है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का आंकड़ा इस तिमाही में दोस्तों दिसंबर 2020 की चर्चा कर रहे हैं, 395 करोड़ का, पिछले तिमाही में 207 करोड़ का था दोस्तों, तो डबल हो चुका है। साथ ही साथ अगर हम एनुअल क्वार्टर की चर्चा कर लें तो 204 करोड़ पर दिखाई पड़ता है, तो एनुअल क्वार्टर से भी डबल। और साथ ही साथ इस तिमाही पिछली तिमाही की अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पर भी डबल होता हुआ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। दोस्तों हम बात करेंगे एडजस्टेड EPS के आंकड़े की, तो इस तिमाही में 3.59 का दिखाई पड़ता है, जबकि प्रीवियस के तिमाही में 1.88 का था। अगर हम एनुअल क्वार्टर की चर्चा करें तो 1.85 का ही दिखाई पड़ता है। जी हाँ दोस्तों एडजस्टेड EPS भी तिमाही दर तिमाही और एनुअल तिमाही में दोस्तों डबल हो चुका है। चलिए दोस्तों अब हम फटाफट रिजल्ट की समरी चेक कर लें। दिसंबर 2020 की तुलना कर रहे हैं दिसंबर 2019 से, एनुअल क्वार्टर की चर्चा हो रही है। नेट सेल्स में डिक्रीजमेंट है दोस्तों, 6.50% की गिरावट, साथ में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में दोस्तों जबरदस्त जंप है 94% की। वहीं दोस्तों दिसंबर 2020 की तुलना करें सेप्टेम्बर 2020 से, क्वार्टर थ्री की तुलना क्वार्टर टू से, तो नेट सेल्स में जंप 20.44% की, साथ ही साथ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 91.19% की जंप दिखाई दे रही है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर में, ओह माय गॉड, इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा देखें दिसंबर 2020 में 38.67 पर, सितंबर 2020 में 44.63 पर, इसके अलावा दिसंबर 2019 का आंकड़ा देखें 39.94 का। अगर हम बात करें दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो डिक्लाइन देखने को मिली है, और साथ ही अगर एनुअल क्वार्टर की भी चर्चा करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइन ही देखने को मिली है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अदानी ट्रांसमिशन के चार्ट की तरफ।
हम बात करेंगे दोस्तों वन डे टाइम फ्रेम की। जो कैंडलस्टिक आप देख रहे हो, निश्चित रूप से एक बुलिश कैंडलस्टिक साथ में रिवर्सल का संकेत दे रही है, वॉल्यूम भी सपोर्ट करता हुआ। जहां दोस्तों आपको ध्यान देना चाहिए, 4 से 5 दिनों के वॉल्यूम को ब्रेक किया है, या आप मान सकते हैं 1 वीक के वॉल्यूम को ब्रेक करता हुआ आज का वॉल्यूम। साथ में MACD का आंकड़ा न्यूट्रल है दोस्तों। अगर हम बात करें RSI का तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनाता हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें 1 वीक के पैरामीटर की, जी हाँ दोस्तों कैंडलस्टिक काफ़ी अच्छी नहीं दिखाई पड़ती है 1 वीक के पैरामीटर पर, लेकिन 1 डे के टाइम फ्रेम से काफ़ी अच्छा सिग्नल देखने को मिला। वॉल्यूम का आंकड़ा भी खास नहीं, RSI निश्चित रूप से ओवरबॉट सिचुएशन में। हम बात करेंगे 1 मंथ के टाइम फ्रेम की, आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों RSI अगेन ओवरबॉट सिचुएशन में, ये बहुत ही अच्छा संकेत है दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम बात करें वॉल्यूम के पैरामीटर्स की, तो काफ़ी शानदार प्राइस एक्शन देखने को मिला है। साथ ही साथ अदानी ट्रांसमिशन का कैंडलस्टिक परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। अगर हम शॉर्ट टर्म मेंबर्स के टारगेट और स्टॉप लॉस की चर्चा करें, तो आपको सबसे पहला टारगेट रखना चाहिए 840 रुपये तक के, सबसे पहले टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 890 रुपये तक की टारगेट्स, 875 से 890 रुपये का सेकेंड टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों, आज ब्रेकआउट के संकेत मिल रहे हैं दोस्तों, रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं, आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए दोस्तों 725 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, आपको 725 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म मेंबर्स हैं, तो मुझे लगता है आपको अपनी पोजीशंस में बने रहना चाहिए। कब तक के लिए दोस्तों? जब तक कि ट्रेंड रिवर्सल के संकेत नहीं दिखाई पड़ते। जी हाँ दोस्तों, ट्रेंड रिवर्सल के जब तक संकेत नहीं दिखाई पड़ते, तब तक आपको ट्रेंड में बने रहना चाहिए। आप अपना टारगेट रख सकते हैं दोस्तों 1000 रुपये तक का, सबसे पहला 1000 रुपये तक का टारगेट आपको रखना चाहिए। तो दोस्तों, छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने अदानी ट्रांसमिशन पर अपडेट दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे बड़ी रिपोर्ट के साथ। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।